नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कुश्ती में भारत को बड़ा झटका, अधिक वजन के कारण विनेश फोगाट। पेरिस ओलंपिक महिला कुश्ती में भारत को बड़ा झटका लगा। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अधिक वजन होने के कारण फाइनल के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। इस बात की जानकारी भारतीय ओलंपिक संघ ने बुधवार को साझा की। सज्जन बोले, बांग्लादेश के बाद भारत का नंबर, मोदी की गलत नीतियों के कारण जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उपजे विद्रोह के बीच मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, फिर बांग्लादेश में यही हुआ, अब भारत का नंबर है। इस फॉर्मूले के तहत मंत्रियों को मिलेगा जिले का प्रभार, आज जारी हो सकती है सूची। सरकार गठन के 7 महीने बाद अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति करने जा रही है। बताया जा रहा है कि आज शाम तक जिले के प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज और कल बेंगलुरु में उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश ने अपने निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को तेज करने के लिए पहली बार स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में कदम बढ़ाया है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. यादव बेंगलुरु में आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो में निवेशकों से संवाद करेंगे। इंदौर में 48 घंटों में डेंगू के 18 मरीज, एक स्वाइन फ्लू पॉजिटिव महिला एडमिट। इंदौर में 48 घंटों में डेंगू के 18 मरीज मिले हैं, इनमें 8 मरीज सोमवार को और 10 मंगलवार को मिले। इनका घर पर इलाज चल रहा है। इस बीच एक महिला स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाई गई, उसे सरकारी MRTB हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उसकी हालत अब ठीक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी आज आएंगे सागर। शाहपुर में मकान की दीवार गिरने से मृत हुए बच्चों के परिवारों से करेंगे मुलाकात। सागर के शाहपुर में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचेंगे। वे शाहपुर में पार्थिव शिवलिंग बनाने के दौरान मकान की दीवार गिरने से मृत हुए 9 बच्चों के घर पहुंचेंगे और परिवार वालों से मिलकर शोक प्रकट करेंगे। भारी बारिश के चलते जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस डायवर्ट किए हुए रूट से चलेगी। जोधपुर मंडल में भारी बारिश होने के कारण रेलवे ट्रैक पर जलभराव की समस्या सामने आ रही है। इस वजह से 7 अगस्त को जोधपुर से चलने वाली ट्रेन 14801 जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। जबलपुर समेत 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। मॉनसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से एमपी के कुछ जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। जबलपुर समेत 4 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। कुछ जिलों में कल से तेज बारिश का दौर फिर शुरू होगा। प्रदेश में अब तक सीजन के 65% यानी 24.5 इंच बारिश हो चुकी है। रेलवे में निकली बंपर भर्ती, 3,317 पद खाली। रेलवे भर्ती सेल पश्चिमी मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर बंपर भर्ती निकाली है, जिसे लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ। आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बुद्धि और विजयपुर उपचुनाव की तैयारी में भाजपा, बूथवार वोट प्रतिशत बढ़ाने पर होगा फोकस। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर विजय के बाद अब भाजपा बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी में जुट गई। इन दोनों ही सीटों पर भाजपा ने प्रभारी और सह प्रभारी बना दिए हैं। अब भाजपा का फोकस बूथवार वोट प्रतिशत बढ़ाने पर है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।